इसके बाद जो ड्यूएट गाना हम सुनाने जा रहे हैं वो खास तौर पर हम पीयूष जी को डेडिकेट कर रहे हैं. उसका राज ये है कि इस गीत को हम वाघ बकरी गाना कहते हैं क्योंकि इट्स अ ड्यूएट सॉन्ग. क्योंकि इसमें दो आवाज ऐसी हैं, एक तलत महमूद साहब की आवाज और एक शमशाद जी की आवाज. अब उस जमाने में कहा जाता था कि तलत महमूद साहब की जो आवाज है उसको टक्कर देने वाली कोई आवाज ही नहीं थी. इतनी लोग उनकी आवाज को पसंद करते थे कि लोग किसी और की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते थे. नौशाद जी ने कहा कि कोई लता जी को नहीं सुन रहा है, इसको नहीं सुन रहा, उसको नहीं सुन रहा, ऐसी आवाज को ढूंढना चाहिए कि लोग चाहकर भी उस आवाज को अवॉइड ना कर सके, जो तलत महमूद साहब की आवाज पर बहुत भारी पड़े. इसलिए उनको लगा कि शमशाद जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. इसलिए उन दोनों को जोड़कर एक बहुत ही खूबसूरत ड्यूएट बनाया गया जिसमें बहुत सॉफ्ट सी बकरी वाली फीलिंग आती है और शमशाद जी शेर की तरह उन पे दहाड़ के गाती हैं. सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू. सो आई रिक्वेस्ट शशांक जी एंड निकिता जी टू प्रेजेंट दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. थैंक यू. हेलो, यहाँ तो सब नॉलेजेबल लोग बैठे हुए. बाबुल पता चल गया आपको, क्या बात है. देखिए ये प्रोग्राम जो ऑडियो विजुअल का है, जो रफ़ी मुकेश जो ओरिजिनल सिंगर्स थे वो तो ठीक है, वो मतलब वो तो ज़बरदस्त है. ऑडियो विजुअल का कॉन्सेप्ट इसलिए कि एक तो गाने का सिलेक्शन अच्छा है, दूसरा ये आप पीछे पुराने वो देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के ना देख पतली कमर, ये जो अभी जो गाना आपने देखा वैजयंती माला की पहली मूवी थी और इसी मूवी में तबस्सुम छोटी थी उसका भी पहला ख्याल से उसका भी पहला पिक्चर था. तो एनीवे सुनिए मिलते ही आंखें दिल हुआ. मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का. पूछो मोहब्बत का असर आए ना पूछो, आए ना पूछो, पूछो ना मोहब्बत का असर आए ना पूछो, आए ना पूछो. दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का, बन गया अफसाना किसी का. मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का. हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू, करते ही छलक जाए ना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का. अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का. मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. तीन चार गाने बाकी है,
तो किसी को कुदरती उपचार के लिए जाना पड़े तो वेट करिए, क्योंकि लास्ट जो गाना तक है इंटरवल के पहले बहुत ही जबरदस्त है, मुड़ मुड़ के ना देख।